गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पर अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा चार की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ एक भाषा का अध्ययन करेंगे। भाषा क्या होती है? अपने विचारों का आदान प्रदान करना। मैं यह पाठ आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं वह बोलकर आपको समझा रही हूँ और आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो ये क्या हो गया? यह भाषा ही होती है। यह यदि कोई आपको कुछ बात लिखकर बताता है और आप उसको पढ़ते हो तो वह भी भाषा का ही एक रूप है। तो भाषा जो होती है वह दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अपने विचारों को एक दूसरे से बताना या उनकी बातों को समझना, पढ़ना, सुनना आदि। ठीक है, तो इस पाठ को अब हम शुरू करते हैं। हम अपनी बातों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरे की बात व विचारों को स्वयं समझने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इसको समझने के लिए नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। अब आप देखोगे एक चित्र दे रखा है, एक कक्षा का चित्र है, बच्चे बैठे हुए हैं और जो अध्यापक है उनको पढ़ा रहा है। अब एक बच्ची है, वो उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं। संस्कृति कल अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर घूमने गई थी। चिड़ियाघर में उसने कौन कौन से जानवर देखे तथा उसे कितना मजा आया, ये वह अपने मित्रों से बोलकर प्रकट कर रही है तथा उसके मित्र सुनकर उसकी बात का आनंद ले रहे हैं। तभी उनके अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया और कहा, बच्चों, तुम्हें जो निबंध याद करने के लिए दिया था उसे लिखकर दिखाओ। ठीक है, जो लड़की है संस्कृति, वो कहीं घूमने जाती है चिड़ियाघर में, तो वह जो वहाँ घूम के आई तो वह सारी चीज़ें अपने मित्रों को बताती है, तो उसके जो विचार थे वह उनको बता रही है। फिर क्या होता है, अध्यापक आते हैं और कहते हैं कि जो निबंध दिया था उसे लिखकर बताओ, तो वहाँ पर हो गया लिखित रूप। अतः मन अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरों की बात को समझने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाती है? भाषा। समझ में आया बच्चों आपको? भाषा के बिना मनुष्य पशु समान है। ठीक है, क्योंकि पशुओं की कोई भाषा नहीं होती है, इसलिए यदि भाषा नहीं हो तो मनुष्य भी कैसा होगा? पशु के समान ही होगा। आपने चिड़िया की चीची, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते की भौं भौं तो सुनी ही होगी। उन संकेतों को हम भाषा नहीं कह सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। समझ में आया कि भाषा क्या होती है? यह इसकी परिभाषा है भाषा की, जो कि आपको याद करनी है। क्या होती है? भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। ठीक है, अब है भाषा के रूप। भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। बोलना भाषा का पहला रूप है। इसमें मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जैसे भाषण देना और कहानी सुनना। क्योंकि आप देखोगे चित्र में तो नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो भाषण तो हमेशा बोलकर ही दिया जाता है, तो बोला कहा जाता है, मुंह से बोला जाता है, तो ये कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। और बच्चे दादी से कहानी सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दादी कहानी को बोलकर सुना रही है और बच्चे सुनकर उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये कौन सा रूप हो गया? यह मौखिक रूप हो गया। ठीक है बच्चों, अब है लिखित भाषा। लिखना भाषा का दूसरा रूप है। इसमें मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जैसे ईमेल करना, पत्र लिखना या पढ़ना।
शिखा ईमेल कर रही है और सारांश पत्र पढ़ रहा है, ठीक है। तो ईमेल जब हम किसी को करेंगे तो उस पर भी हमको टाइपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि लिखना पड़ेगा, तो वह लिखित रूप हो गया। और सारांश पत्र पढ़ रहा है, किसी ने उसको पत्र लिखा और सारांश उसको पढ़ रहा है, तो ये कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। अब है सांकेतिक भाषा, मन के विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करना तथा देखकर समझना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे यातायात पुलिस के संकेत गार्ड का झंडी दिखाना, यातायात के पुलिस के सिपाही का संकेत करना, तो ये सारे क्या हो गए? आप रोड पे जाते हो, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो संकेत से कहते हैं कि इधर जाना है उधर जाना है, तो हम उनको समझ लेते हैं और उनको फिर फॉलो करते हैं, तो ये क्या हो गया? सांकेतिक भाषा हो गई। इसी प्रकार जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो जो गार्ड होता है वह झंडी दिखाता है, तो वो भी संकेत है कि हरी झंडी दिखाई तो ट्रेन चली जाएगी और यदि लाल झंडी दिखाई तो ट्रेन रुक जाएगी। तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। अब है लिपि। लिपि क्या होती है? हमने कोई भाषा, सभी भाषाओं को लिखने पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में निश्चित किए गए रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है। जो भी हम लिखते और पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ण के रूप में, ठीक है, तो उनके लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, और ये चिन्ह ही क्या है? जो रेखा चिन्ह होते हैं जो उसके लिए बनाए गए हैं, इसी को हम लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी कि हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। अब आपकी पुस्तक में आप देखेंगे तो एक तरफ भाषा दे रखी है और दूसरी तरफ लिपि दे रखी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत, हिंदी और गुजराती। इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की है गुरुमुखी। बांग्ला की है बंगाली। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। और उर्दू की लिपि है फारसी। तो समझ में आया? और ये सारी लिपियाँ आपको याद करनी है कि कौन सी भाषा की लिपि कौन सी है। भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा हो गई, इसको आप याद करिएगा। फिर है व्याकरण, क्योंकि व्याकरण एक ऐसी चीज़ है जो भाषा को शुद्ध रूप में हमें सिखाती है, उसका शुद्ध रूप हमको सिखाती है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। हर भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का पता चलता है। समझ में आया कि जो हम पढ़ रहे हैं भाषा को, उसमें कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, तो इसके लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। और हर भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, जो हम किस में पढ़ते हैं? उसको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यही पाठ यहाँ तक समझ में आया? यदि नहीं आया है तो इसको एक बार और पढ़िएगा, इसी परिभाषाओं को याद करिएगा, आपको यह पाठ समझ में आ जाएगा। अब है आओ दोहराएं कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। पहला है विचारों तथा भावों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, इसकी परिभाषा हो गई और ये आपको याद भी करनी है। भाषा के तीन रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, इसको भी आप याद कर लेना। फिर है लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये भी एक इजी है कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। फिर है व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, जो बातें इस पाठ में हमने पढ़ी उनको एक बार हमने दोहरा भी लिया है, तो मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। जो वर्क आपका PDF के थ्रू आता है उसको आपको नीट एंड क्लीन करना है, साथ के साथ उसको याद भी करना है। धन्यवाद।